एक्सक्लूसिव के साथ नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। बड़ी खबर आपको सीहोर से बता रहे हैं, जहां कुबेरेश्वर धाम में जो है रुद्राक्ष लेने के लिए लाखों की संख्या में लोग पहुंच रहे। जी हां, कुबेरेश्वर धाम में भारी संख्या में लोग पहुंच रहे। श्रद्धालु जो है जिनकी श्रद्धा शिव जी में है, लाखों की संख्या में देश के अलग अलग राज्यों से सीहोर पहुंच रहे हैं। लाखों लोगों के पहुंचने से जो है भगदड़ जैसा माहौल यहां पर मच गया है। जैसे कि हमने आपको बताया, देश के अलग अलग राज्यों से यहां पर रुद्राक्ष लेने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। कुबेरेश्वर धाम जो है काफी ज्यादा इसका महत्व जो है माना गया। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं कि कितने ज्यादा लोग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। सिर्फ मध्य प्रदेश से नहीं, अलग अलग राज्यों से यहाँ लोग पहुंच रहे हैं और काफी ज्यादा भगदड़ भरा माहौल यहाँ पर नजर आ रहा है। आपको बता दें, रुद्राक्ष महोत्सव के पहले ही दिन यहाँ पर हालात बेकाबू हो गए हैं। महाराष्ट्र की एक महिला की इसमें मौत हो गई है, साथ ही 3 लोग लापता भी है। तो काफी ज्यादा व्यवस्था यहाँ पे जो है खराब नजर आ रही है, जिसमें महाराष्ट्र की एक महिला की तो मौत हो गई है और काफी ज्यादा लोगों के लापता होने की भी खबरें यहाँ पर सामने आ रही है। सीहोर से आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं हम, जहाँ कुबेरेश्वर धाम में काफी ज्यादा भीड़ हो गई है और भीड़ के कारण जो है भगदड़ जैसा माहौल यहाँ पर बन गया है। इसी के साथ इस खबर पे हमारे संवाददाता सीहोर से जुड़ चुके हैं, चंदर सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चंदर, जो है सीहोर में अब भीड़ लापता जो है काफी ज्यादा हो रही है, कुबेरेश्वर धाम जो है श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, ऐसे में बड़ा सवाल उठता है कि व्यवस्था क्यों नहीं की गई? क्योंकि पता था जब कि पूरे देश में अलग अलग राज्यों से यहाँ पर लोग आने वाले, तो बड़ा सवाल खड़ा होता है कि व्यवस्था को लेकर इंतजाम क्यों नहीं किए गए? अस्मिता, व्यवस्था को लेकर 8 दिन पहले ही सीहोर कलेक्टर और एसपी ने जो भारी वाहन है उन पर लगाम लगा दी थी। सीहोर से इंदौर की ओर जाने वाले सभी वाहनों को रोक दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि पंडित प्रमोद मिश्रा का जो कार्यक्रम है वो रोड से मात्र 500 मीटर अंदर है, और जहाँ कार्यक्रम है वहां भी इतनी जगह नहीं है कि लाखों लोग इकट्ठे हो जाए। लेकिन इसके बाद भी 4 महीने से लगातार पंडित प्रदीप मिश्रा द्वारा प्रचार किया जा रहा है कि 16 फरवरी से रुद्राक्ष वितरण समारोह होगा, जिसमें लाखों लोग शामिल होंगे। लेकिन उन्होंने ये व्यवस्था नहीं की कि उन लाखों लोगों को कहाँ हम विस्थापित करेंगे और कैसे जी। चंद्र, अभी फिलहाल की क्या स्थिति हम देख सकते हैं तस्वीरों में कि काफी ज्यादा जो श्रद्धालु है, अभी भी श्रद्धालुओं का आना जाना है? फिलहाल अभी क्या चल रहा है वहाँ पे? मतलब खबर आ रही है कि महाराष्ट्र की एक महिला की मौत हो गई, तो अब कुछ व्यवस्था में कुछ इंतजाम किए गए या श्रद्धालुओं को रोका जा रहा है कि अभी मत आओ, धीरे धीरे करके एक एक करके आओ? अस्मिता, अभी कोई व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ है, क्योंकि आष्टा की ओर 10 किलोमीटर और सीहोर की ओर 10 किलोमीटर तक भयंकर जाम लगा है, लोग इधर से उधर नहीं आ सकते। लेकिन अभी एक तो महाराष्ट्र की महिला की मौत हुई है कोई 1 घंटे पहले, और अभी वर्तमान अभी 10 मिनट पहले एक और बच्ची की दबने से मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र की जो महिला है वो लाइन में लगी थी, उसको चक्कर आया है, रुद्राक्ष नहीं मिले, लेकिन उसको मौत जरूर मिल गई लाइन लगने में। अभी मतलब पुलिस प्रशासन का इस पर क्या कहना है, क्योंकि ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, पहले भी ऐसा हुआ है कि लापरवाही के चलते कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी, तो प्रशासन का क्या कहना है इन सब पूरे इस मामले में? अस्मिता, ये मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का गृह क्षेत्र, और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद अभी 3 और 4 बजे के बीच में कुबेरेश्वर धाम आने वाले थे, तो पूरा सीहोर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन पूरा मुख्यमंत्री के आवभगत में लगा था। इसको देखते हुए पुलिस प्रशासन और जिला प्रशासन इधर जो रुद्राक्ष वितरण कार्यक्रम था उसमें इतनी व्यस्तता ना दिखाते हुए मुख्यमंत्री के आवभगत में था। लेकिन 2 लोगों की मौत होने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का अभी सूत्रों से खबर है कि दौरा रद्द हो चुका है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो बड़ा अपडेट आपको सीहोर से दे रहे हैं, जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कुबेरेश्वर धाम में कितनी ज्यादा संख्या में श्रद्धालु आ रहे हैं, और ऐसे में एक लापरवाही की बड़ी जो है खबर सामने आ रही है, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई, एक महिला की मौत हो गई और कई ज्यादा लोग लापता भी है। बड़ा अपडेट आपको सीहोर से दे रहे हैं।